जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहाड़ी किनारे बने तालाब में डूबने से दो बालकों की मौत हो गई है। हरमाड़ा थाने इलाके के नीनड़ गांव की घटना बताई जा रही है। 11 वर्षीय मनदीप और 9 वर्षीय विद्या का शव बाहर निकाला गया है। अपने दोस्त के साथ नहाने आए थे बालक। राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें, जहां पहाड़ी किनारे बने तालाब में डूबने से दो बालकों की मौत हो गई है। हालांकि तुरंत मौके पर सुरक्षा की टीम को बुलाया गया और दोनों के शव को बाहर निकाला गया है। हरमाड़ा थाने इलाके के नींदड़ गांव की ये पूरी घटना, जहां 11 वर्षीय मनदीप और 9 वर्षीय विद्या का शव बाहर निकाला गया है। और जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, अपने दोस्तों के साथ ये दोनों ही नहाने गए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? और आज देखिए, वेस्ट जिले में ये दुखद घटना हुई है 7 दिन के अंदर दूसरी बार। पहले जहां बारिश के कारण 3 दिन पहले 3 जिंदगी में दम तोड़ा था विश्वकर्मा इलाके में, वहीं विश्वकर्मा से करीबन 5 किलोमीटर आगे हरमाड़ा थाना इलाके में आज वैसी घटना हुई है। एक तालाब, पुराना तालाब है, जहां पर दो बच्चे अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे, लेकिन वो उसकी गहराई को नहीं भाप पाए और पानी के अंदर समा गए। करीबन 3 घंटे तक चला ऑपरेशन के बाद में दोनों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। चूंकि गांव के अंदर काफी गंभीर माहौल है, ऐसे में पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया। उसके बाद में शव को कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों के शव को मोर्चे भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने जो वहाँ का प्रबंधक है, तालाब के आसपास के प्रबंधक है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की है। और वहीं पुलिस तालाबाधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो मृतकों के परिजन है उनको बता दिया गया है कि आप अस्पताल पहुंचिए। अब पुलिस इस तालाब के चारों तरफ सुरक्षा मापों की जांच कर रही है। आयुषी सत्यनारायण, तकरीबन कितने बजे की घटना है ये? ये करीबन 12 बजे की घटना है, जब दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ नहाने आए थे। और इसी दौरान जब दोनों बच्चे बाहर नहीं निकल पाए तो बाकी दोस्तों ने चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद में आसपास के लोग, ग्रामीण मौके पर पहुंचे, अपने स्तर पर दोनों बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उसके बाद में सूचना पुलिस को दी गई, सिविल डिफेंस को दी गई। और सिविल डिफेंस और पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। करीबन 4.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद में दोनों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। 11 वर्षीय अमनदीप और 9 वर्षीय के शवों को बाहर निकलाकर कांवटिया अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया गया है। कल उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पहाड़ी किनारे बने तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि देखिए, लोगों की वहां पर मौजूदगी थी और प्राथमिक तौर पर प्रयास उनके द्वारा भी किए गए कि दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन जब वो असफल रहे तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन की टीम को सूचित किया गया।